टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। स्टूडेंट बात करेंगे कि आपका पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपका स्टेट पास क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों उस रीजन्स की बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आप भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 बार स्टेट दे चुके हैं लेकिन उनका स्टेट पास नहीं हो रहा। तो दोस्तों और जो नए बच्चे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि वो रीजन्स क्या हैं, तो ताकि आप पहले ही अटैम्प्ट में पास कर लें, आपका आगे प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपका पहला रीज़न ये है कि आपने मतलब हिंदी इंग्लिश हरियाणा जी की और रीजनिंग को बिल्कुल ही नकार देते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है। जब आप तैयारी करते हैं तो आप सोचते हैं कि हिंदी को क्या ज़रूरत है पढ़ने की, हिंदी तो मैं शुरू से स्कूल से पढ़ता आ रहा हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, तो अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वही आएंगे पेपर में वही कर देंगे। इंग्लिश को भी आप समझते हैं कि एक बार पढ़ लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद जो हरियाणा जी के है तो वैसे तो सबको आती है, जो हरियाणा के उनको तो सबको आती ही है। तो इसी चीज़ में हम सोचते हैं कि अपडेटेड हरियाणा जी के पढ़ने की तो कोई ज़रूरत है बची ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा जी के पढ़ चुके हैं और रीजनिंग को तो कोई कुछ समझता नहीं है। रीजनिंग को तो समझते कि सबको ही आती है। तो दोस्तों ये सबसे मतलब एक तरीके से आप ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाएगी। तो क्योंकि जैसे कि मतलब आप ये इन टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान से हटा देते हैं तैयारी करते टाइम, क्योंकि अब आप ही देखिए इन चीज़ों का मतलब क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 15-15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स का ये हो गया, हरियाणा जी का 10 मार्क्स और रीजनिंग 10 मार्क्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का तो आपका यही है, तो आप इनको ही नेगलेक्ट कर देते हैं प्रिपरेशन करते टाइम। तो दोस्तों अब वो टाइम बचा नहीं है कि आपका जो पेपर ईजी आते थे 2016 तक पेपर काफ़ी ईजी आते थे, सबको ही आराम से नॉर्मल प्रैक्टिस से भी कर लेता था। लेकिन अब जो नया पैटर्न के हिसाब से पेपर आ रहे हैं वो ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से मतलब अच्छा खासा लेवल दे रहे हैं। वो पहले नॉर्मल लेवल आ रहा था, जो जिसको बेसिक नॉलेज है वो भी पास कर लेता था, लेकिन अब अपडेटेड हो चुका है सब। तो आप भी अपडेट हो जाइए और नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करिए। तो दूसरा आपका जो रीज़न है कि आपका प्रीवियस पेपर ना करना या फिर प्रैक्टिस पेपर ना करना, मतलब आप प्रिपरेशन करते हैं, आप थ्योरी करते हैं, एक बार पढ़ते हैं 2 बार थ्योरी पढ़ के पूरा सिलेबस कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो दोस्तों वो चीज़ किसी काम की नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी पेपर की अगर थ्योरी पढ़ लेंगे पूरा सिलेबस भी पढ़ लेंगे, लेकिन अब अगर आप उसके प्रैक्टिस सेट या फिर प्रैक्टिस सेट ना भी करके अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा नुकसान यही है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जितने हो सके। आप एक बार थ्योरी पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको स्टेट पास करने में। तो तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न जो कंप्यूटर सेक्शन वाले बच्चों के लिए यही है कि वो अपने जो 60 नंबर का जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है उस पर हद से ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो एक तरीके से मतलब उसका सिलेबस वो अपना कंप्यूटर सेक्शन का अच्छा ही होगा, लेकिन वो उस सेक्शन पे हद से ज़्यादा डिपेंड रहता है। वो सोचता है कि 60 नंबर का सेक्शन है, मुझे इसमें ही 50 से प्लस मार्क्स लेके आने हैं। तो दोस्तों ये गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वही बाकी कॉमन पार्ट को नेगलेक्ट करके आप इस पर ही डिपेंड रहेंगे। तो दोस्तों वही बात हो गई, क्योंकि 2016 के बाद पेपर काफ़ी टफ आ रहे हैं, वो मतलब पेपर टफ आ रहे हैं। उन्होंने जैसे 2016 से पहले बेसिक लेवल आता था बिल्कुल, जो भी जिसने भी नॉर्मल बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं कंप्यूटर्स की वो भी कर लेता था आराम से 45 सवाल। तो लेकिन अब जो फ़िलहाल जो आ रहा है वो अब बच्चों के नंबर इसमें घटने होंगे, क्योंकि उन्होंने अब कंप्यूटर सेक्शन को ही टफ करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि बाकी सेक्शन वो थोड़ा नॉर्मल रख लिया जैसे हिंदी हरियाणा जी के, लेकिन जो अब जो कंप्यूटर के ऊपर ही उन्होंने इतना फोकस कर दिया कि वो इसको ही काफ़ी हार्ड लेवल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस पे ही फोकस करते हैं और आपके क्वेश्चन अब ऐसे आने लग गए हैं, फिर आप कंप्यूटर में ही नंबर आपके घटने लगते हैं। तो दोस्तों आप इस पर सब्जेक्ट को पूरा करिए, पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, लेकिन इस पर हद से ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। बाकी सेक्शन को भी उतना टाइम दीजिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है पेपर में, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपको टॉपर नहीं बनना है। आप ये ध्यान रखिए, आपको टॉपर नहीं बनना, आपको सिर्फ पेपर पास करना। आप 90 मार्क्स में भी क्वालिफाई कहलाओगे और आप 105 मार्क्स में भी क्वालिफाई कहलाओगे, तो आप आराम से इसको पास करिए। और जो आपका जो अगला पेपर होगा हरियाणा एसएससी का स्क्रीनिंग, उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आती है पेपर पास करने में तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के दोनों के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।